subscribe our channel and press the bell icon to never miss any updates from Unicorn. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका यूनिकॉर्न में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ISL में खेलने वाले भारतीय युव प्रतिभाओं के बारे में। इंडियन सुपर लीग शुरू होने के बाद हम लोगों ने बहुत सारे इंडियन यंग प्लेयर्स को उभरते हुए देखे हैं। पिछले साल भी लालू रिंजुवाला छांगते, जेरी मोविन थांगा, नंद कुमार, अनिरुद्ध थापा जैसे खिलाड़ी ISL में अच्छा परफॉर्मेंस करने के बाद भारतीय फुटबॉल फैंस की नज़र में आए हैं और नेशनल कॉल अप भी पा चुके हैं। तो इस वीडियो में आज मैं 5 ऐसे खिलाड़ियों के बारे में आप लोगों को बताऊंगा जो इस साल ISL में भारतीय फुटबॉल फैंस को इम्प्रेस करने वाले हैं और अपने टीम के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट खिलाड़ी रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 5, शुभम सारंगी। शुभम सारंगी 18 साल के फॉरवर्ड खिलाड़ी है जो इस साल दिल्ली डायनामोज एफसी के लिए खेल रहे हैं। शुभम दिल्ली डायनामोज एफसी ज्वाइन करने से पहले इंडिया अंडर 17 टीम का हिस्सा थे, लेकिन कोच ने उनको अंडर 17 वर्ल्ड कप के लिए नहीं चुना। उसके बाद शुभम दिल्ली डायनामोज एफसी को ज्वाइन किया और कतार में जाकर एस्पायर एकेडमी में ट्रेनिंग भी लिया और इस साल दिल्ली डायनामोज एफसी के लिए फॉरवर्ड लाइन का काफ़ी इंपॉर्टेंट खिलाड़ी होने वाला है शुभम सारंगी। नंबर 4, मोहम्मद राकिब। मोहम्मद राकिब एक और खिलाड़ी है जिसने अंडर 17 वर्ल्ड कप मिस किया और इस साल इंडियन सुपर लीग में राकिब केरला ब्लास्टर्स एफसी को ज्वाइन किया है। मोहम्मद राकिब एक वर्सेटाइल खिलाड़ी है जो डिफेंस में किसी भी पोजीशन पर खेल सकते हैं और केरला ब्लास्टर्स एफसी के लिए इस सीजन राकिब राइट बैक पोजीशन पर खेल रहे हैं और डेविड जेम्स ने भी राकिब के ऊपर बहुत ही भरोसा दिखाया है और राकिब ने भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है और फैंस को काफ़ी इम्प्रेस किया है और इस साल इमर्जिंग प्लेयर होने का भी बहुत ही बड़ा दावेदार है मोहम्मद राकिब। नंबर 3, प्रांजल भूमिच। प्रांजल भूमिच 19 साल की एक अटैकिंग खिलाड़ी है जो असम से बिलोंग करते हैं। प्रांजल इस साल मुंबई सिटी एफसी के लिए ISL खेल रहे हैं और मुंबई सिटी एफसी के लिए बहुत ही वैल्यूएबल खिलाड़ी है। प्रीसीजन में प्रांजल भूमिच का परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया था और बहुत सारे गोल भी किए थे और ISL सीजन 5 में केरला ब्लास्टर्स एफसी के खिलाफ बेंच से आकर एक वर्ल्ड क्लास गोल करके मुंबई सिटी एफसी को पहला पॉइंट भी दिया है प्रांजल भूमिच ने। नंबर 2, धीराज सिंह मोइरांगथेम। धीराज सिंह मोइरांगथेम 18 साल की इंडियन गोलकीपर है जिसको हर एक इंडियन फुटबॉल फैंस जानते हैं। धीराज ने इंडिया के लिए अंडर 16 एफसी एशिया कप एंड अंडर 17 वर्ल्ड कप में गोल के नीचे दीवार बांध के खड़ा था। धीराज बहुत ही हाई रेटेड इंडियन युवा खिलाड़ी है। धीराज सिंह वर्ल्ड कप के बाद इंडियन एरोस के लिए आई लीग भी खेले हैं और उसके बाद फॉरेन क्लब में ट्रायल भी दे चुके हैं और इस सीजन धीराज सिंह मोइरांगथेम खेल रहे हैं केरला ब्लास्टर्स एफसी के लिए। नंबर 1, कोमल थाटल। कोमल थाटल 18 साल की इंडियन युवा खिलाड़ी है जिसको हम लोग इंडियन वंडर किड नाम से भी जानते हैं। कोमल थाटल बहुत ही स्किलफुल खिलाड़ी है और एक मिडफील्ड विंग दोनों पोजीशन पर खेल सकते हैं। अंडर 17 वर्ल्ड कप में भी एक मैच खेले थे कोमल थाटल और अभी ISL सीजन 5 में ATK टीम का हिस्सा है कोमल। जूनियर लेवल में खेलने के वक्त कोमल ने इंडियन फैंस को काफ़ी इम्प्रेस किया और ब्राजील उरुग्वे जैसे टीम के खिलाफ गोल भी दागा और अभी तक इस ISL में कोमल को खेलने का ज़्यादा मौका तो नहीं मिला, लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि जब उसे मौका मिलेगा तब कोमल आग लगा देगा। सो कोमल इज़ वन ऑफ द प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर दिस ISL सीजन 5। तो दोस्तों, ये था 5 यंग खिलाड़ी। इनके अलावा भी बहुत सारे यंग प्लेयर्स हैं जो इस ISL में अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है और अच्छा परफॉर्मेंस करते रहेंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो को लाइक कीजिए, आज का लाइक एम है 120 लाइक्स और अपने ओपिनियन मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आपने अभी तक यूनिकॉर्न को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब करो जल्दी से और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मेरी आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।